Assalamualaikum, welcome to student tube. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 सिस्टम ऑफ रियल नंबर्स एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स की एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वो सॉल्व करेंगे. पिछले लेक्चर्स में भी हम इसी एक्सरसाइज के पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं. आज की इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे. तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 125 पावर है 2 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 64 की पावर है 2 और इसकी होल पावर है 1/3. तो चलें फिर सॉल्व करें. इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 125, 8 और 64 का पहले एलसीएम ले लेंगे. तो यहाँ पर पहले हम 125 का लेंगे. तो 5 2 10, 2 यहाँ गया, 5 5 25, 5 5 25 एंड 5 1 5. यानी कि अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 125. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 और इसके ऊपर इसकी पावर आ जाएगी 2, यहाँ पर क्रॉस, यहाँ इक्वल. इसके बाद हम 8 को करेंगे मल्टीप्लाई. तो 8 को मल्टीप्लाई सॉरी 8 को एलसीएम लेंगे. तो 8 का एलसीएम इसको हम रब कर लेते हैं यहाँ पर, ओके, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है, इसे रब कर देते हैं, अब इसकी नीड नहीं है. आप ये वर्क अपने कॉपी में एक साइड पर पोर्शन बना के रफ वर्क में करेंगे. ठीक है, ओके. तो अब यहाँ पर हम 8 का एलसीएम लेंगे. तो 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2. यानी कि 2 को भी हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा आंसर 8 आता है. तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3. इसके बाद 64 है, तो यहाँ पर हम 64 ले लेंगे और 64 को भी हम करेंगे. तो क्या करते हैं, हम इसे करते हैं 4 से, डायरेक्ट 4 से कर लेते हैं, 2 से भी कर सकते हैं. तो 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है, और बाकी के 2 यहाँ चलेगा, यानी कि 24. तो 4 के टेबल में 24 कब आता है, 4 6 24, फिर 4 2 सॉरी, इसके बाद 4 4 16 एंड देन 4 1 4. यानी कि 4 को भी हम 3 टाइम्स करेंगे तभी 64 आएगा. तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 4 की पावर आ जाएगी 3 और बाहर आ जाएगा 2. अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और साथ ही हम क्या करेंगे, जो ये बाहर वाली पावर है वो भी हम इन्हें दे देंगे. ठीक है, तो ये क्या है, बाहर की पावर 1/3. अब हम क्या करेंगे, इस पावर को अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, 5 है ये 3 को, 2 टाइम 3 2 6, ओके, ये 2 की पावर 3 ही रहेगी. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 है तो 4 के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 2 6. और साथ ही हम 1/3 पावर भी इन्हें दे देंगे, 1/3 की पावर इन सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह. अब नीचे क्या होगा, ये आ जाएगा 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6. तो क्या रह गया, 5 की पावर रह गई 2, ये हमारा रह गया सिर्फ 2 और यहाँ पर रह गई 4 की पावर 2. अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर बाकी का सॉल्व कर लेते हैं. तो 5 5 क्या होता है, हम जानते हैं, 5 5 25, 2 इसी तरह आ गया. इसके बाद नीचे 4 है, 4 4 होता है 16. ठीक है, अब 2 1 2 हो गया और 2 8 हो गया 16. तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/8. तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.7. उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर कीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.